क्या आप हमें बताना चाहेंगे कि आप क्लोव नोएडा 44 में कैसे आए? मैडम ऐसे था कि मैं 2 साल से ना तंग था दांतों से, तो हमारे नॉर्वे में, मैं नॉर्वे में रहता हूँ, तो वहाँ पर ये बहुत कॉस्टली है, तो हमने पहले ट्राई किया पोलैंड में जाकर, मेरी बेटी वहाँ से डॉक्टरी की उसने, तो वहाँ पर हमने पता किया कि इम्प्लांट क्या होता कैसे नहीं होता, फिर हमने ढूंढा। तो ऐसे करते करते हम सोच रहे थे, एक दिन हम अपने दोस्तों के साथ बैठे थे, तो एक लड़के ने, हमारे दोस्त ने बताया, मिस्टर जैन ने, कि यार तू इंडिया से क्यों निकलवाता ये इम्प्लांट? मैं कहा यार डरते हैं कि इन्फेक्शन ना हो जाए, ये ना हो जाए। तो वो कहता नहीं, वहाँ बहुत अच्छा करते, मैंने तो नहीं करवाया, उसने जालंधर से करवाया था, कि लेकिन जो क्लोव है कि दैट इज़ द बेस्ट, कि आपको कोई नहीं होगा ऐसे। उसी समय मेरे दूसरे दोस्त ने एकदम इंटरनेट पर निकाल कर के वो देखा कि ये नोएडा में, क्योंकि मेरी बहू यहाँ रहती है, तो इसके पास ये वाला था, तो हमने तब डिसाइड कर लिया कि नो, आई विल बी देयर। आपका ट्रीटमेंट सर कैसे कैसे हुआ? बड़ा अच्छा। पहले तो हम डॉक्टर मानसी जी से मिले यहाँ आकर, तो हम तो 90% हमारा वहम निकल गया है कि ये कैसे ट्रीटमेंट होगा या कैसे नहीं होगा। जब मिस्टर रॉय ने, डॉक्टर रॉय ने वो शुरू किया इम्प्लांट करना, तो मैंने एक दिन में ही बोला कि जितने भी दांत निकाल दो तो वो इम्प्लांट कर दो। आई वॉज सो सेटिस्फाइड। उसके बाद में हमारी टेक केयर की डॉक्टर अमन जी ने, सो नाइस, इतना एक्यूरेट और इतनी पेशेंस के साथ, और उन्होंने ये किया कि हम, आई एम रियली वेरी वेरी ग्रेटफुल टू देम, एंड जो काम करने वाले यहाँ पे वेरी हेल्पफुल और काफ़ी एक्सपर्ट है, जो हर बात का जब भी उनको होता था हमको बहुत अच्छा लगता था, कह सकते जो कि हम सोच नहीं सकते थे नॉर्वे में बैठकर। आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा और आप सेटिस्फाइड हैं, और क्या आपके पास कोई सुझाव है हमें देने के लिए? हम तो बहुत सेटिस्फाइड है, जहाँ की सफाई और जैसे लोग कहते हैं ना हाइजीनिकली या कैसे करके, इससे ज़्यादा अच्छा मेरा ख्याल आई कॉन्ट एक्सपेक्ट। थैंक यू, बहुत धन्यवाद।